फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल करने पे कॉल अगर सेंड नहीं होती तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ना फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर देखिए सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पर टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना एंड्रॉइड सिस्टम पर टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपका मोबाइल फोन का जो सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के उसे सिम ट्रे पे दोबारा से अच्छे से लगाना है। ध्यान रखिएगा, सिम कार्ड को ना सिम ट्रे की स्लॉट 1 में लगाना है, उसके बाद फोन के अंदर डाल देना है, ठीक है। इससे भी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखिए, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो हो जाता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ना सबसे ऊपर सर्च बार में यहाँ पे रीसेट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप ले लेना है अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।